हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो ये जो आज की वीडियो होने वाली है, ये टोटली इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो जो आज मैं आपके लिए एक कंटेंट लेकर आया हूँ, वो बेसिकली लेफ्ट हैंड ड्राइव जीप के ऊपर है। ये जीप बेसिकली पंजाब से कनाडा पे या यूके, जो भी लेफ्ट हैंड ड्राइव वाली कंट्रीज हैं, वहाँ पर ये वाली जो जीप है इनको एक्सपोर्ट करा जाता है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन में अगर मैं बात कर लूँ, तो फर्स्ट इम्प्रेशन में आप इसकी कम्प्लीटली यहाँ पर इसकी लुक्स को आप यहाँ पर देख रहे हैं, कम्प्लीटली आर्मी कलर में आपको ये प्रोवाइड करी जाती है। और जो मेजर पॉइंट है इसमें बात कर लेते हैं, देखो जो इसके फीचरिस्टिक हैं वो कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे, टोटली कस्टमाइज्ड जीप है। इसके बारे में बात कर लेते हैं, तो जो इसके जो टायर प्रोफाइल है वो आप बेसिकली अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड करा सकते हैं। जो इसके अंदर आपको प्रोवाइड करा गया है वो ये बेसिकली हार्ड टॉप नहीं है, ये सॉफ्ट टॉप के साथ ये प्रोवाइड करी गई है। और ये जो इसका मेन पर्पस यहाँ पर है वो है इसको ऑफ रोडिंग पर्पस के लिए, या स्टाइल या शौक या लोग इसको परचेज करते हैं। तो अब इसके अंदर से आप डैशबोर्ड इसको देख सकते हैं कि ये किस तरीके से दिखती है, किस तरीके से इसका सेटिंग पोस्चर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपकी जो होने वाली ये 4x4 तो नहीं है, ये जस्ट नॉर्मल इसमें इंजन है। इसमें आप कोई भी इंजन को ऐड ऑन करा सकते हैं, या बलेरो या थार या फिर आप स्कॉर्पियो का इंजन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और जो इसमें मेजर आपको दिखाने वाला है वो है कि इसमें आपकी ये बेसिकली फर्स्ट इंप्रेशन होने वाला है वीडियो में। तो ये एक इसमें पेट्रोल टैंक भी आपको इसके साथ में अटैच करा गया है। तो जो मेजर ये इसका जो पर्पस है, जो भी शौकिया लोग हैं इसको परचेज करना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ करा सकते हैं। तो मेनली इसमें आप ये लेफ्ट हैंड साइड में, इसके राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, इसमें शॉवल भी दे रखा है। तो ये बेसिकली जब ये आउट ऑफ इंडिया जाती है, तो जो लोग इसको बेसिकली जंगलों में लेके जाना पसंद करते हैं, तो ये शॉवल के लिए यहाँ पे दिया गया है और कुल्हाड़ी के लिए। तो ये जंगल सफारी टाइप्स इसको यूज़ किया जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका गेयर बॉक्स और इसके हैंड ब्रेक, और ये पीछे से कम्प्लीटली एम्प्टी है। इसमें यहाँ पे स्पीकर प्रोवाइड करा गया है, और आप अपने हिसाब से भी इसको कस्टमाइज़ करा सकते हैं। इवन इस जीप के अंदर अगर आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा डाउन में देखेंगे, तो इसमें आपको साथ में स्क्रीन भी प्रोवाइड करी गई है। तो वो एक एडिशनल फीचर्स हैं। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं, तो आप भी पंजाब जाकर अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ करा सकते हैं। और मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप सेम सेगमेंट में आप इसको राइट हैंड ड्राइव व्हील में आप इसको परचेज़ कीजिए। तो आने वाले ब्लॉग में अभी हमने ऑलरेडी एक खुशखबरी है कि वी ऑलरेडी बुक्ड महिंद्रा थार, तो जल्द ही उसकी वीडियो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और वो प्रैक्टिकली जो हमारी रोड्स पे पॉसिबल है उसको चलाना एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, तो वो उसकी कस्टमाइजेशन के साथ हम आपको बताएंगे कि वो किस तरीके की है। तो बात कर लेते हैं अगर इसकी ओवरऑल लुक्स की, तो इसकी जो ओवरऑल लुक्स है वो मुझे तो बिल्कुल ही अमेजिंग लगी। और जो वो इसका ड्राइविंग स्ट्रक्चर है वो लेफ्ट हैंड रहता है, बट हम जब इसको कस्टमाइज़ करा लेंगे अपने हिसाब से, तो जब ये रोड पे जब ये चलेगी, तो उसका रोड प्रेजेंस डेफिनेटली रहने वाला है। बट यस, मैं अगेन आपको रेकमेंड करूँगा, अगर आप इसको शौकिया पर्पस से इसको परचेज़ करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इसको पंजाब में मंडी दबावली से जाकर आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके और भी मॉडल यहाँ पर प्रिपेयर हो रहे थे, तो मैं आपको शॉर्टली इस जगह की आपको डिटेल्स शेयर कर दूंगा, और आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपने महिंद्रा थार ओल्डर वर्जन को भी कस्टमाइज़ करा सकते हैं अपने हिसाब से, चाहे आप उसमें बलेरो का इंजन लगवाएं, स्कॉर्पियो का लगवाएं, या फिर आप महिंद्रा थार का भी इंजन उसमें फिटिंग करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। आगे ऐसी काफ़ी वीडियोज़ आने वाली हैं जिसमें हम महिंद्रा थार की भी आपको कस्टमाइजेशन दिखाएंगे, और साथ ही साथ अभी हमने KTM के भी शूट्स करे हैं, तो उसकी भी वीडियोस इस पे चैनल पे आने वाली हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।